बहुत एक्साइटेड हूँ 5th of October को अंधाधुन आ रही है एंड और श्रीराम राघवन ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मेरे लिए काफ़ी अलग है, थ्रिलर है, मैंने पहली बार थ्रिलर की है और ये जॉनर में पहली बार आया हूँ तो इसलिए मैं इंटरनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ. I'm in love with him all over again. So it's a new thing that he's portraying. I have bahut excitement hai. It's a new genre, like he said. So it's very, very exciting to see him in this thriller role and this thriller film. It's a very well-made film, and like I said, I fall in love with him. कोई भी चीज़ अंधाधुन में इतना नहीं करता, मैं बहुत ही सोच समझ के चीज़ें करता हूँ. फिल्म में भी अंधाधुन नहीं करता हूँ, बहुत पहले स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, समझता हूँ, कुछ अलग स्क्रिप्ट में नज़र आए तभी करता हूँ. तभी शायद मैं साल में सिर्फ 2 फिल्में करता हूँ और हर एक फिल्म में मेरे कुछ एक अलग ट्रेलर से पता चल जाता है कि कुछ अलग है. तो आई थिंक अंधाधुन में वैसे कुछ नहीं करता हूँ. ये फिल्म अंधाधुन मैंने फिल्म की है अंधाधुन, लेकिन वैसे फिल्म में अंधाधुन नहीं करता. यार टच वुड, गॉड हैज बीन काइंड. आई थिंक एज पापा इज ऑल्सो हियर, तो आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स में सब कुछ सही हो रहा है. सो यस, आई मीन श्री डिड अ ग्रेट जॉब फ्यू वीक्स बैक एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अंधाधुन एंड बधाई हो बोथ. एंड आई थिंक अंधाधुन का जो ट्रेलर है और बधाई हो का ट्रेलर है, दोनों के दोनों काफ़ी डिफरेंट वर्ल्ड हैं एंड आई वॉज लुकिंग क्वाइट डिफरेंट इन इट. एंड आई थिंक भैया इज वर्क रियली हार्ड, स्पेशली ऑन दिस फिल्म. मैं देख रहा था उनकी पियानो प्रैक्टिस सब कुछ वगैरह, बहुत 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 मेहनत की है इस फिल्म के लिए. यार एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, स्पेशली बिकॉज जब मैंने पहली बार सुना था कि आयुष भाई फिल्म साइन करने वाले हैं, जब वो मुझे घर पे बता रहे थे तो तब से ही एक एक्साइटमेंट थी दैट इस फिल्म में क्या होने वाला है, आयुष भाई किस प्रोसेस से यू नो ये सब करने वाले हैं, पियानो सीखने वाले हैं. तो एक डिफरेंट वर्ल्ड है एंड प्लस श्रीराम राघवन सर के सभी फ़ैन हैं. आई थिंक द काइंड ऑफ सिनेमा इज़ बीन डूइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, तो ऑलरेडी एक्साइटमेंट बनी जाती है. एक्टिंग, मैं अंधाधुन एक्टिंग करती हूँ, जब मुझे मौका मिले मैं एक्टिंग करती हूँ. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. फॉर स्टार्टर्स मैं श्रीराम सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे उनकी सारी फिल्में हद से ज़्यादा अच्छी लगी हैं एंड सभी जानते हैं कि आयुष्मान मेरा बहुत ही क्लोज दोस्त है, मेरी लिटरली परिवार है आयुष्मान एंड मेरा वन ऑफ फेवरेट एक्टर्स भी है. आई लव टबू मैम एंड आई थिंक राधिका इज़ अ फिनोमिनल एक्टर. तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ ये इतना एक्साइटिंग है दैट आई कांट वेट टू वॉच द फिल्म. जी यही कहना चाहूँगी कि वो एक इतना उमदा एक्टर है कि वो कोई कैसी भी फिल्म कर ले, ही इज जस्ट गोना शाइन. सो आई कांट वेट टू सी व्हाट ही इज डन इन द फिल्म. और भी वेट लॉस किया है आपने अपना? बस मतलब वेट के आगे आप लोग नहीं बढ़ोगे. आप बताइए. हाँ वो तो करना ही पड़ता है ना फिल्मों के लिए, यू हैव टू कीप चेंजिंग योरसेल्फ. अरे लोग तो क्या क्या नहीं कहते, लोगों ने तो ये भी कहा था इतनी क्यों बड़ी हो गई. अगर मैं उनकी बात सुनने लगती तो मैं आज याद थोड़ी ना होती. There's a lot. The ones I can speak about, obviously, Son Chiriya is about to release very soon, in fact. And then there's Takht, and the rest you all will know in a few weeks. Everything. Yeah. Thank you. Thank you. And good luck.